Morning students, today we will do the exercise 2.1 of the chapter 2 linear equations in one variable. Last जो वीडियो थी हमारी उसमें हमने किया था कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है और जनरल इंट्रोडक्शन उसके बारे में, इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, वन वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं आपके और सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं और क्या होता है सॉल्यूशन. तो मूविंग टू द एक्सरसाइज, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. x प्लस 3 हमारा 7 है, हमें x की वैल्यू निकालनी है. जो पॉजिटिव 3 है राइट हैंड साइड पे इसको ट्रांसपोज करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा. 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4. चेक कैसे करते हैं, जो आपके गिवन इक्वेशन है वहां x की जगह 4 रखिए, तो 4 रखने से क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी इक्वल आ जाएंगी. इसका मतलब जो हमने x की वैल्यू 4 निकाली थी वो बिल्कुल सही है, therefore वेरीफाइड. ठीक है, दिस इज अवर चेकिंग. नेक्स्ट इज x माइनस 7 इज इक्वल टू 6. ये जो माइनस 7 है इसको मैं राइट हैंड साइड में लेके जा रही हूँ, तो 6 प्लस 7, माइनस था तो उधर जाके प्लस हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 13. ये हमारा सॉल्यूशन है. नाउ वी विल चेक इट. चेक कैसे करते हैं, जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसमें हम x की जगह क्या रखेंगे, 13. तो 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6. 13 माइनस 7 कितना होता है, 6 इक्वल टू 6. एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, therefore वेरीफाई. ये हमारी चेकिंग कंप्लीट हो गई है, इसका मतलब हमारा ये जो सॉल्यूशन था ये करेक्ट है. नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट इज 15 इज इक्वल टू x माइनस 7. हियर व्हाट वी विल डू, x हमारा राइट हैंड साइड पे है तो हम उसको राइट हैंड साइड पे ही रहने देते हैं. माइनस 7 को हम एल एच एस में ले आते हैं, तो माइनस 7 को जब मैं इधर लेके आऊंगी तो ये प्लस 7 हो जाएगा. नाउ 15 प्लस 7 22 इज इक्वल टू x. दिस इज द सॉल्यूशन. चेक करेंगे इसे कि ये हमारा सॉल्यूशन ओके है या नहीं है. क्या करना होता है, जो इक्वेशन है हमारी उसमें x की जगह 22 पुट करेंगे, तो इक्वेशन इज 15 इज इक्वल टू x माइनस 7. 15 इज इक्वल टू 22 माइनस 7, तो 22 माइनस 7 कितना होता है, 15. तो हियर वी हैव चेक्ड इट that LHS is equal to RHS, hence verified. ठीक है, next moving on to the fourth part. Fourth part is y minus 1 is equal to minus 3. y minus 1 is equal to minus 3. अब ये जो minus 1 है उसको हम right hand side पर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा plus 1. तो minus 3 plus 1 minus 2. This is the solution. Now we will check it. चेक करते हुए जो हमारी इक्वेशन है y माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3, y की जगह रखिए माइनस 2, तो माइनस 2 माइनस 1 ये राइट हैंड साइड एज इट इज है हमारी, तो माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गए हमारे, therefore वेरीफाइड. ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट इज 7 इज इक्वल टू 4 माइनस p. अब ये देखिए जो हमारा p है, p नेगेटिव है यहाँ पे और 4 पॉजिटिव है. ठीक है, यहाँ हम चेक करते हैं बच्चे, 4 इज पॉजिटिव एंड p इज नेगेटिव, माइनस p है, तो मैं माइनस p को यही रख रही हूँ. या आपका मन हो तो हम इधर ले आते हैं, वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस p को मैं इधर लेके आ रही हूँ, वो हो जाएगा प्लस p. ठीक है, 7 हमारा पॉजिटिव पहले से ही था और इक्वल टू में 4. नाउ प्लस 7 को उधर लेके जाना है क्योंकि मुझे p की वैल्यू निकालनी है, p को अकेला रखना है. p इज इक्वल टू 4 माइनस 7, तो कितना आ जाएगा, माइनस 3. p की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 3. नाउ वी विल चेक इट, चेक द सॉल्यूशन. जो हमारी इक्वेशन थी 7 इज इक्वल टू 4 माइनस p, यहाँ पे p की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस 3. देखिए पुट करेंगे 4 माइनस तो क्वेश्चन का है और p की वैल्यू कितनी है, माइनस 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो इट बिकम्स 4 प्लस 3 दैट इज 7. हमारा LHS में भी 7 है तो LHS बराबर हो गया राइट हैंड साइड के, therefore hence verified. ये हमारे इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सिक्स पार्ट. सिक्स पार्ट इज 4x इज इक्वल टू माइनस 12. अब यहाँ देखिए जो 4 है ना ये x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ट्रांसपोज करने के बाद वो डिवाइड में हो जाएगा, जो प्लस में होता है वो माइनस में हो जाता है,
मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, तो x को मैं यहीं पे रख रही हूँ, माइनस 12 डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 का मतलब नीचे 4 आ जाएगा उसके डिनोमिनेटर में, ऐसे कर सकते हैं हम, तो 4 3 जा 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 3, ठीक है। तो हम चेक करेंगे इसको, जो आपकी गिवन इक्वेशन है 4x is equal to minus 12, यहाँ पे x की जगह माइनस 3 पुट कीजिए, तो देखिए 4 3 जो कितना होएगा, माइनस 12, और राइट हैंड साइड में भी हमारा माइनस 12 है, देयरफोर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड देयरफोर हेंस रूट, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सो हियर वी आर विद द क्वेश्चन नंबर 7, x बाय 3 इक्वल टू 3, अब ये देखिए जो 3 आपका डिनोमिनेटर में है मतलब डिवीजन में है, तो इधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। चेक करेंगे इसको, तो व्हाट वी विल डू, जो हमारी इक्वेशन है उसमें x की जगह क्या पुट करेंगे, 9, 9 बाय 3 इक्वल टू राइट हैंड साइड में कितना दिया हुआ है, 3, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर योर सॉल्यूशन इज करेक्ट, हिंस वेरीफाइड। कमिंग टू द 8th पार्ट, ये जो y है हमारा 3y बाय 7, सबसे पहले इस 7 को देखते हैं, 7 आपका डिवाइड में है, तो अगर हम उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई में, 3y इज इक्वल टू 2 इंटू 7, 3y इज इक्वल टू 14। नाउ ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 14 बाय 3, दिस विल बी द सॉल्यूशन। नाउ चेक कैसे करेंगे इसको, चेकिंग 3y बाय 7 इज इक्वल टू 2, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 बाय 7 इंटू y इज इक्वल टू 2, एंड y की जगह क्या लिखेंगे, 14 बाय 3, तो y की जगह मैंने लिखा 14 बाय 3 इज इक्वल टू 2, ये हमारा राइट हैंड साइड है, 7 2 जा 14, 3 1 जा 3, तो इट बिकम्स 2, लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 आ गया, राइट हैंड साइड में भी 2 आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS एंड हेंस वेरीफाई। मूविंग ऑन टू द 9th पार्ट, 9th पार्ट में देखिए P के नीचे 1.2 है, तो इसको हम इधर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6.0, 6.0 का मतलब 6 होता है, तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 6, ठीक है। अब ये P की वैल्यू हम इधर चेक करेंगे, तो हमारी इक्वेशन है जो 5 इज इक्वल टू पी बाय 1.2, तो P की जगह हमने रखा 6 बाय 1.2, अब ये जो इसका पॉइंट है, अगर मैं इसको खोलूंगी तो इसका 10 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो 6 इंटू 10 बाय 12, 6 2 जा 12, 2 5 जा 10, 5 इज इक्वल टू 5, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, 5 इक्वल टू 5 आ गया हमारा। नेक्स्ट है 7m is equal to 21, 7 जो है मल्टीप्लाई में है m के साथ, तो उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, 21 डिवाइड बाय 7, 21 बाय 7, दैट इज m की वैल्यू कितनी आ गई, 3, 7 3 जा 21। नाउ चेक करेंगे इसे, 7m is equal to 21, तो 7 into 3 is equal to 21, 21 is equal to 21, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया, नेक्स्ट मूव ऑन टू द 11th क्वेश्चन। नाउ हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 11, 2x माइनस 9 इक्वल टू माइनस 1, ये जो माइनस 9 है इसको पहले मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगी, तो इट विल बिकम प्लस 9, और ये हो जाएगा 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, तो अब ये जो 2 है ये x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 2 डिविजन में चला जाएगा, 8 बाय 2 दैट इज 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। नाउ वी विल चेक इट, चेक करते हुए जो हमारी इक्वेशन है 2x माइनस 9 इक्वल टू माइनस 1, x की जगह क्या रखेंगे हम इसमें, 4, तो 2 इंटू में 4 माइनस 9, ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, माइनस 1, 2 4 जो होता है 8, माइनस 9 माइनस 1, तो माइनस 9 प्लस 8 कितना होगा, माइनस 1, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 12 ऑफ दिस एक्सरसाइज, दिस इज 9 माइनस 2y इक्वल टू 3। नाउ क्या करेंगे, ये जो आपका 9 है उसको हम इधर लेके जाएंगे, माइनस 2y एज इट इज है, 9 पॉजिटिव है तो उधर जाके हो जाएगा नेगेटिव,
तो ये कितना हो गया माइनस का 9 प्लस का 3 दैट इज माइनस 6। अब ये जो माइनस 2 है ये y के साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, माइनस माइनस कैंसिल एंड 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। दिस इज द सॉल्यूशन। नाउ चेकिंग करते हैं, चेक करते हुए 9 माइनस 2y इज इक्वल टू 3, y की जगह क्या रखेंगे 3। नाउ चेक करते हैं इसको, 9 माइनस 2 3 जा 6, 9 माइनस 6 कितना होएगा 3, और राइट हैंड साइड में भी 3 है हमारे पास, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हेंस वेरीफाई। नेक्स्ट पार्ट 13, वी हैव 1 बाय 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 7 बाय 3। देखिए 2x को हम वहीं पे रखते हैं, माइनस 7 बाय 3 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, तो 1 बाय 3 प्लस 7 बाय 3 इज इक्वल टू 2x। अब ये रेशनल नंबर्स हैं, दोनों को प्लस करना है, तो कैसे करते हैं, टेकिंग द एलसीएम 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 2x, 8 बाय 3 इज इक्वल टू 2x। अब देखिए जो 2 है ये x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 8 बाय 3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू x, डिवाइड बाय 2 का मतलब 8 बाय 3 इंटू 1 बाय 2 इज इक्वल टू x, दैट इज 8 बाय 6 इज इक्वल टू x। ये हमारा सॉल्यूशन है। नाउ वी विल चेक इट, चेक करते हुए इधर आ जाइए, जो आपके गिवन इक्वेशन है आई एम चेकिंग इट, 1 बाय 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 7 बाय 3, 2 इंटू में x, x क्या आपका 8 बाय 6 माइनस 7 बाय 3, तो ये देखिए 2 8 जा 16 बाय 6 माइनस 7 बाय 3, ये जो 16 और 6 आप इसको कट कर सकते हैं, इस स्टेप में भी कट कर सकते थे, 2 3 जा एंड 2 8 जा, इट बिकम्स 8 बाय 3 माइनस 7 बाय 3, टेकिंग द एलसीएम 3, 8 माइनस 7 1 बाय 3, यहां देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 बाय 3 था, ठीक है, तो ये आ गया LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस वेरीफाइड। मूविंग ऑन टू द पार्ट नंबर 14, दैट इज 5 बाय माइनस 7 इज इक्वल टू 1 बाय 2, क्या करेंगे, जो माइनस 7 है पहले उसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, 5 बाय इज इक्वल टू 1 बाय 2 प्लस 7। अब ये जो दो नंबर्स हैं इनको प्लस कैसे करेंगे, टेकिंग द एलसीएम 7 बाय 1 लिख सकती हूं मैं इसको, तो 1 प्लस 1 2 जा 2, 2 7 जा 14, दैट इज 15 बाय 2, हियर इट इज 5 5। अब ये देखिए 5 मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y इज इक्वल टू 15 बाय 2 डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 5 का मतलब क्या हो जाता है इंटू 1 बाय 5, 5 3 जा 15, दैट इज y की वैल्यू कितनी आ गई 3 बाय 2। दिस इज द सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू 3 बाय 2। नाउ वी विल चेक इट दैट वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, ये जो हमारी गिवन इक्वेशन है इसमें y पुट करेंगे, चेक कर रहे हैं इसको, तो 5 बाय माइनस 7 इज इक्वल टू 1 बाय 2, 5 इंटू में y मतलब 3 बाय 2 माइनस 7 1 बाय 2, ये राइट हैंड साइड चल रही है हमारी, एज इट इज चलेगी, 5 3 जा 15 बाय में 2 माइनस 7। अब नीचे मैंने 1 लगा लिया, इसको रेशनल नंबर में चेंज करके एलसीएम लेंगे, 2 1 जा दैट इज 15 आ गया, 1 2 जा तो 2 7 जा 14, तो 15 माइनस 14 1 बाय 2, और राइट हैंड साइड में भी 1 बाय 2 है हमारा, देयर फोर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और हेंस वेरीफाई, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, which is 4m by 5 minus 1 is equal to 7। सबसे पहले minus 1 को हम उधर लेके जाएंगे, पॉजिटिव 1 हो जाएगा, 4m by 5 is equal to 7 plus 1 that is 8, ठीक है। अब ये जो 5 है ये आपका डिवाइड में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 8 into 5 that is 40। अब ये जो 4 है ये 4m के साथ मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, दैट इज 40 बाय 4 दैट इज 10, सो m की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब ये जो m की वैल्यू 10 आई है हम इसको यहां रख के चेक करेंगे, तो आई एम चेकिंग इट,
4m by 5 minus 1 is equal to 7. ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड. हमें चेक करना है कि ये इक्वल है. n की जगह रखेंगे 10. अब ये देखिए 5 टू जा 10 हो गया, 4 टू जा 8 माइनस 1, तो 8 माइनस 1 7 होता है. देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हेंस वेरीफाइड कि हमारा ये जो सॉल्यूशन है दिस इज राइट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल डू नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2. तो आप यहां तक इनकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से. दैट्स ऑल फॉर द डे.